दोस्तों जैसे ही ठंडी का मौसम शुरू होता है वैसे ही आह ओह करके घुटनों के दर्द की शुरुआत होती है। और जैसे ही हम देखें कि हमारे जो घर के बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो सब लोगों को जोड़ों के दर्द की या घुटनों के दर्द की शुरुआत हो जाती है। लेकिन आजकल का जो सिनेरियो है वो बदल चुका है। अब छोटी उम्र में भी लोगों को घुटने के दर्द की समस्या होती है और हम काफी ऐसे लोगों को देखते हैं कि जिनको जैसे ही ठंडी की ऋतु शुरू होती है तो उनको घुटने के दर्द शुरू हो जाते हैं। दोस्तों जनरली जो घुटने का दर्द है वो शरीर में वात की वृद्धि की वजह से होता है। आयुर्वेद के हिसाब से हमारी बॉडी में तीन प्रकार के दोष होते हैं, वायु, पित्त और कफ। और ठंडी की सीजन में जैसे ही ठंड बढ़ती है और वातावरण जो वेदर जो है वो सूखा होता है वैसे ही शरीर में वायु की वृद्धि होती है, क्योंकि रुक्षता सूखापन जो है वो वायु का गुण है और शीतपन यानी शीतता ठंडक कोल्डनेस ये भी वायु का गुण है। जैसे ही रुक्षता और ठंडी बढ़ती है वैसे ही शरीर में वायु की वृद्धि होती है और जिन लोगों को ज्वाइंट में पेन है उन लोगों को ज्वाइंट पेन शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक पे यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ठंडी के ऋतु में जो आपको ज्वाइंट पेन होता है, जो आपको घुटनों के दर्द होते हैं, तो उसका आयुर्वेद के हिसाब से क्या क्या सॉल्यूशन और क्या ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं कि जिसका सेवन करके हम अपने घुटनों के दर्द को ठीक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सुहेल दलाल, संजीवनी आयुर्वेद हॉस्पिटल सूरत गुजरात से, और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेद में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ठंडी की ऋतु में घुटनों के दर्द की अगर आपको तकलीफ है तो उसका कारण वातावरण में बढ़ती हुई ठंड और सूखापन रुक्षता है। जैसे ही हमारे घुटने जो है उसकी जो मूवमेंट होती है, घुटनों की जो मूवमेंट, वो हमारे घुटनों के बीच में जो जेली है जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है उसकी वजह से होता है। और वो जेली जिन लोगों में सूख जाती है तो जेली की सूख जाने की वजह से वहां पे जो जो कार्टिलेज है, जो गादी है, उसमें घिसाव महसूस होता है, उसकी वजह से दर्द, सूजन अनबेरेबल हो जाती है। तो अब हम इस टॉपिक के ऊपर आगे बात करेंगे कि जिन लोगों को घुटनों के दर्द है उन लोगों के लिए सबसे पहले एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात करें तो ऑयल का मसाज रेगुलर घुटनों के ऊपर करना है, ऑयल का मसाज करके सेक करना है। कौन से ऑयल का मसाज हम अपने घुटनों पे कर सकते हैं? एक महानारायण तेल, दूसरा पंचगुण तेल, या तीसरा है सरसों का तेल। इसमें से कोई भी तेल को आप गर्म करके अपने घुटनों पे सर्कुलर मोशन में, जैसे कि घुटना है तो उसके ऊपर सर्कुलर मोशन में उसको 15 से 20 मिनट तक मसाज करने से उसके ऊपर गर्म पानी का या तो गर्म रेत का आप सेक करेंगे, सिकाई करेंगे, तो उससे आपको 8-15 दिन में ही घुटनों के दर्द में बहुत अच्छी राहत और बहुत बेहतरीन रिलीफ महसूस होगी। ज्यादातर ये जो दर्द है ये ड्राइनेस की वजह से होते हैं, बॉडी की ड्राइनेस की वजह से, इसीलिए ऑयल जो है वो उसको स्निग्धता प्रदान करेगा और ऑयल की जो गर्मी है उसकी जो वार्मथ है उसकी वजह से जो है वो जो सूजन है वो कम हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद ओल्ड एज पीपल, जो बड़ी एज के लोग हैं, उन लोगों को भी घुटनों के दर्द की शिकायत इस सीजन में ज्यादा बढ़ जाती है। तो उन लोगों के लिए एक बेहतरीन चीज मैं बताता हूँ, गाय का घी का सेवन उनको रेगुलर करना है। एक चम्मच गाय का घी एक ग्लास गर्म पानी के साथ सुबह खाली पेट, और एक चम्मच गाय का घी एक ग्लास गर्म पानी के साथ रात को सोते वक्त। इस तरह से दिन में दो बार गाय के घी का कम से कम 1 से 2 महीने तक रेगुलर सेवन करते रहे तो घुटनों के दर्द में बहुत बेहतरीन राहत होते हुए देखी जाती है। उसके अलावा आपको पता होगा गिलोय का नाम आपने सुना होगा, गिलोय नाम की औषधि भी घुटनों के दर्द में बेहतरीन रिजल्ट्स प्रदान करती है। जिन लोगों को घुटनों में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा घुटनों में दर्द रहता है, जिनको घुटनों में सूजन ज्यादा रहती है, उन लोगों को करना क्या करना है, गिलोय का पाउडर या गिलोय की रॉ फॉर्म की औषधि या गिलोय का काढ़ा मंगवा लेना है। और ये गिलोय के काढ़े को 25 ग्राम काढ़ा रोज सुबह में 2 गिलास पानी में, यानी कि 400 ml पानी में उबाल के उसको 100 ml कर देना है। 2 गिलास पानी को उबाल के आधा गिलास कर देना है, फिर उसको छान के खाली पेट सुबह में गिलोय का काढ़ा पीने से भी आपको घुटनों के, जोड़ों के, गर्दन के और कमर के दर्द में बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद आपको बता दूं, ये जो अब आपको मैं बताने वाला हूं दो अगले उपाय, ये मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में विंटर सीजन में, सर्दियों में बहुत ज्यादा पेशेंट्स में इस्तेमाल करता हूं और इसके बेहतरीन मिरेकल रिजल्ट्स आपको देखे जाते हैं। आपको क्या करना है, 50 ग्राम या 100 ग्राम हरडे का पाउडर लेना है, उसके साथ साथ उसी मात्रा में, समान मात्रा में सोठ पाउडर को मिक्स कर देना है, ड्राई जिंजर पाउडर। ये दोनों पाउडर को मिक्स करके इसकी आपको गोली बना के उसके अंदर आप गुड़ भी डाल सकते हैं और गोली बना सकते हैं, या हरडे और सोठ दोनों को अकेला भी ले सकते हैं। उसकी आपको गोली बना के सुबह और शाम एक एक गोली की मात्रा में लेना है, उससे आपको घुटनों के दर्द में तुरंत राहत महसूस होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि सोठ और हरडे दोनों वायु की बेहतरीन औषधियां हैं।
उसके बाद अभी जो दूसरी ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ ये भी बहुत बेहतरीन और फायदा कारक उपाय है जिसको हमको रात को सोते वक्त लेना है। हमें क्या करना है, एक ग्लास दूध लेना है, उसमें आधी चम्मच हल्दी डालनी है और दो चुटकी काली मिर्च और दो चुटकी सौंठ की डालनी है। उस दूध को हमें उबालना है और उबालने के बाद जब वो 25% दूध को जला देना है, 75% दूध का पोर्शन जब बाकी रहता है उसको हमको छान के गरम गरम दूध रात को सोते वक्त पीना है। इस रेमेडी को हमको कम से कम एक महीने तक इस्तेमाल करना है। घुटनों के दर्द में मिरेकल रिजल्ट्स आपको हासिल होंगे। आप करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन उपाय मैंने आपको बताया है। इसके बाद आपको कुछ आयुर्वेदिक औषधियां भी मैं सजेस्ट कर देता हूँ। आयुर्वेद की बहुत बेहतरीन औषधि है, जिन लोगों को घुटनों में स्टिफनेस रहती है, सुबह में बहुत ज्यादा स्टिफनेस और जकड़न रहती है, उन लोगों को दशमुलारिष्ट का सेवन करना है। दशमुलारिष्ट लिक्विड फॉर्म की औषधि है जिसको 15 ml सुबह में और 15 ml शाम को खाना खाने के बाद पानी में मिक्स करके लेना है। उसके बाद दो गोलियां आपको बता देता हूँ। एक गोली का नाम है गोक्षुरादि गुगल, दो दो गोली सुबह शाम, और चंद्र प्रभावटी, दो दो गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद। ये दोनों टेबलेट्स का कम से कम 21 दिन से लेकर 30 दिन तक सेवन करना है, आपको घुटनों के दर्द में बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों ये आपको मैंने विंटर सीजन में होने वाले घुटनों के दर्द के बेहतरीन सॉल्यूशंस बताए। आशा रखता हूँ कि आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें। आपको कमेंट्स करनी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करें। आप कोई और वीडियो पे, अगर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप उसके बारे में आप डिटेल से पूछिए हमें, हम आपको आपके प्रॉब्लम के बारे में अगला वीडियो बना के जरूर देंगे। हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप हमसे औषधि या हमसे दवाइयां मंगवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करिए। इस नंबर के माध्यम से आप हमसे वीडियो कॉलिंग से बात करके हमारे यहाँ से भी बाय कुरियर दवाइयां मंगवा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हम पूरे इंडिया में ही और पूरी दुनिया में हर कंट्री में हम पेशेंट्स को औषधियां प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।